कहते हैं हर इंसान को भगवान ने यूनिक और स्पेशल बनाया है, पर कुछ लोग इस दुनिया में ऐसे भी होते हैं जिन्हें अपने नेचुरल लुक से ज्यादा मेकअप लुक पसंद होता है। वैसे अधिकतर लड़कियों को ही ज्यादा सुंदर दिखना अच्छा लगता है, जिसके लिए वो भर भर के मेकअप भी करती है। पर कुछ लोग तो अपने लुक के लिए इतने पोसेसिव होते हैं कि अपने चेहरे को और खूबसूरत बनाने के लिए सर्जरी का सहारा लेते हैं, जो कई बार तो इन लोगों को बेइंतहा खूबसूरत बना देती है, तो कई बार लेने के देने पड़ जाते हैं। चलिए आज हम आपको ऐसी ही कुछ बॉलीवुड हसीनाओं से मिलवाते हैं जिन्होंने और अट्रैक्टिव दिखने के लिए प्लास्टिक सर्जरी का सहारा लेना ज्यादा अच्छा समझा। नंबर 10, प्रियंका चोपड़ा। तो सबसे पहले बात करते हैं बॉलीवुड की देसी गर्ल की। जी हाँ, सही पहचाना, यानी प्रियंका चोपड़ा की। फिलहाल तो प्रियंका शादी करके लॉस एंजलिस शिफ्ट हो गई है, लेकिन एक समय था जब प्रियंका बॉलीवुड की जान हुआ करती थी। इनकी हर एक मूवी की भर भर के कमाई होती थी और लोगों पर तो इनकी दीवानगी का असर साफ तौर पर देखने को मिलता था। प्रियंका वैसे तो शुरुआत से ही खूबसूरत थी, पर उन्होंने फिर भी अपने पूरे करियर में कई सर्जरीज करवाई और अपनी नोज से लेकर अपने लिप्स को एक नया लुक देने की ठानी। हालांकि प्रियंका ने केवल अपनी नोज सर्जरी का ही जिक्र किया है जो उन्हें अपने अस्थमा के कारण करवानी पड़ी थी, पर मीडिया और लोगों का कहना है कि प्रियंका ने एक से ज्यादा सर्जरीज करवाई है। खैर, जो भी हो, इन सर्जरीज के कारण ही आज प्रियंका अच्छी खासी उम्र होने के बाद भी काफी यंग और ब्यूटीफुल लगती है। नंबर 9, अनुष्का शर्मा। साल 2014 में जब लोगों ने अनुष्का शर्मा को कॉफी विद करण में देखा तो उनके होश उड़ गए। रीजन था अनुष्का का बदला हुआ चेहरा। फैंस को अनुष्का के लिप्स में काफी बदलाव देखने को मिला, जिससे अनुष्का पर तरह तरह की बातें सोशल मीडिया पर फैलने लगी। कुछ लोगों ने उन्हें प्लास्टिक सर्जरी कराने के लिए क्रिटिसाइज किया तो कुछ ने उनके बदले हुए लुक का मजाक उड़ाया। यही नहीं, 2016 के एक इंटरव्यू और फिल्म पीके तक में अनुष्का को लोगों की हंसी का शिकार होना पड़ा, जिसके बाद अनुष्का ने ब्रेवली लोगों के सामने अपनी पूरी बात रखी। अनुष्का ने साफ तौर पर कहा कि वो किसी भी प्लास्टिक सर्जरी को सपोर्ट नहीं करती है और ना ही उन्होंने खुद के लिप्स की कोई सर्जरी करवाई है, बल्कि उन्होंने अपनी अगली फिल्म के किरदार के लिए केवल अपना लुक चेंज किया है, जिसके कारण उन्हें लिप जॉब करवाना पड़ा। हालांकि इस लिप चेंज से अनुष्का के करियर पर कुछ खास असर नहीं पड़ा। नंबर 8, श्रुति हसन। बात चाहे बॉडी शेमिंग की हो या पर्सनल ब्यूटी स्टैंडर्ड्स की, श्रुति हसन कभी भी किसी भी मुद्दे पर बोलने से नहीं भागती है। इसलिए जब सोशल मीडिया पर लोग उन्हें भर भर के प्लास्टिक सर्जरी कराने के लिए ट्रोल कर रहे थे, तब उन्होंने अपने इंस्टाग्राम हैंडल से सभी की ट्रोलिंग का बेबाकी से जवाब दिया। श्रुति ने अपनी पोस्ट में साफ तौर पर लिखा कि उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी करवाई, जिस वजह से उनकी नोज और लिप्स में चेंजेस आए हैं, पर ये उनकी पर्सनल ब्यूटी चॉइस है। उन्हें ये करने के लिए किसी ने फोर्स नहीं किया, न ही वो प्लास्टिक सर्जरी को सपोर्ट करती है। वो मानती है कि सबको अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीने का पूरा पूरा हक है। हालांकि श्रुति को इस सर्जरी से कोई नेगेटिव रिजल्ट देखने को नहीं मिला, वो अभी भी काफी खूबसूरत लगती है। नंबर 7, शिल्पा शेट्टी। बॉलीवुड की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी भी सर्जरी करवा चुकी है। शिल्पा हमेशा से ही अपने लुक्स और कूल अंदाज के लिए जानी जाती है। खैर, बात अगर इनके लुक्स की करे तो इस बात में कोई दो राय नहीं कि शिल्पा के लुक्स को और अट्रैक्टिव बनाने का कारण है उनकी नोज की सर्जरी। वो भी एक नहीं बल्कि दो बार। सर्जरी के बाद शिल्पा की नोज उनके फीचर्स के साथ काफी अच्छे लगने लगी, जिनका सीधा असर उनके करियर पर भी हुआ। लेकिन पब्लिक में जब उनकी सर्जरी की बातें गलत मोड़ ले रही थी, तब शिल्पा ने खुद इस बात को एक्सेप्ट किया था कि उन्होंने अपने नोज की सर्जरी करवाई है और उनके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं। इवन वो अपने नए लुक से काफी इम्प्रेस भी है। नंबर 6, नरगिस फाकरी। रॉकस्टार, फेम और कमाल की एक्ट्रेस एंड मॉडल नरगिस फाकरी का नाम भी इस लिस्ट में आता है। नरगिस की अगर आप पहले और अब की तस्वीरें देखेंगे तो पाएंगे कि उनके चेहरे में कई चेंजेस आए हैं, और बेशक सभी चेंजेस पॉजिटिव ही है, उनके लिप्स और फेस को देखने भर से ही कोई उनकी सर्जरी का अंदाजा आराम से लगा ही लेगा। लेकिन आपको बता दे कि नरगिस पर उनके फेशियल चेंजेस को लेकर तमाम सवाल भी खड़े होने लगे थे, पर तभी उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में ये बात साफ तौर पर क्लियर कर दी कि प्लास्टिक सर्जरी कराना न कराना पूरी तरह से उनकी चॉइस है, और अगर अपनी ढलती उम्र के साथ उन्हें इसे कराने की जरूरत पड़ती है तो वो इसमें बिल्कुल भी हिचकिचाएंगी नहीं। अब इस स्टेटमेंट के बाद तो वैसे भी लोगों का डाउट सच में बदलना नॉर्मल सी बात है। नंबर 5, आयशा टाकिया। प्लास्टिक सर्जरी में रिस्क बहुत बड़ा होता है, मतलब अगर आप कोई प्लास्टिक सर्जरी करवा रहे हैं
तो जरूरी नहीं है कि हर बार रिजल्ट पॉजिटिव ही आए, कई बार लेने के देने भी पड़ जाते हैं। और सलमान खान के साथ वांटेड फिल्म में अपने रोल से सभी को इम्प्रेस करने वाली आयशा टाकिया के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। आयशा ने अपने लिप्स की सर्जरी करवाई थी जिससे वो और अच्छी दिखने लगे, पर हुआ कुछ उल्टा। सर्जरी के बाद एक्ट्रेस का तो फिल्मी करियर ही खत्म हो गया। एक्ट्रेस का फेस इतना ज्यादा अलग हो गया कि लोगों के साथ साथ फिल्म इंडस्ट्री को भी उनके नए लिप्स कुछ खास पसंद नहीं आए। हालांकि आयशा ने सभी को जवाब देते हुए साफ तौर पर कहा कि उन्हें अपने लुक से कोई प्रॉब्लम नहीं है और वो पूरी तरह अपनी चॉइस की रिस्पेक्ट करती है। नंबर 4, राखी सावंत। कभी आइटम गर्ल, कभी एंटरटेनर, तो कभी टीवी एक्ट्रेस कही जाने वाली राखी सावंत ने अपनी बॉडी के साथ कई एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। इवन एक समय तो ऐसा आ गया था जब लोग इन्हें राखी मानने के लिए तैयार ही नहीं होते थे, तो वही कुछ लोग इन्हें प्लास्टिक गर्ल के नाम से बुलाते थे। लोगों के बीच राखी को एक लंबे समय तक अपनी सेवरल सर्जरीज के लिए भला बुरा सुनना पड़ता था। राखी ने केवल 16 साल की ही उम्र में अपनी ब्रेस्ट सर्जरी करवाई थी। उसके बाद उन्होंने अपने लिप्स को, अपनी जॉन लाइन और ना जाने क्या क्या चेंज कराना पसंद किया। और जब बात सवाल जवाब पर आई तो राखी ने साफ तौर पर कहा कि प्लास्टिक सर्जरी ऑलमोस्ट सभी एक्ट्रेसेस करवाती है जिससे वो यंग और ब्यूटीफुल दिख सके, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। हालांकि ये बात भी सबको पता है कि राखी को इन सर्जरीज के चक्कर में बहुत सी परेशानियों को झेलना पड़ा है। नंबर 3, कंगना रनौत। अब कुछ लोगों ने अपनी सर्जरी को एक्सेप्ट किया तो कुछ ने चुप्पी साधना ज्यादा वाजिब समझा, और कंगना रनौत उन्हीं में से एक है। कंगना ने जब बॉलीवुड में डेब्यू किया था तब से अब तक उनके लुक्स में जमीन आसमान का फर्क है। कुछ तो उन्होंने खुद को ग्रूम किया है, बाकी न्यूज में तो इनके सर्जरी के भी किस्से रहते हैं। कंगना के लिप्स में आप कई चेंजेस देख सकते हैं, साथ ही कई बड़े चेंजेस तो ये दावा भी करते हैं कि कंगना ने अपना ब्रेस्ट इम्प्लांट भी करवाया है जिससे वो और ज्यादा हॉट एंड सेक्सी लग सके। हालांकि कंगना की ओर से अब तक इन सभी बातों पर खुलकर कोई स्टेटमेंट नहीं आया है, बाकी देख के तो अपने आप ही इंसान को सच और झूठ में फर्क का पता चल ही जाता है। नंबर 2, गौहर खान। टीवी इंडस्ट्री की जानी मानी एक्ट्रेस गौहर खान को कौन नहीं जानता। कभी किसी रियलिटी शो में तो कभी किसी आइटम नंबर में गौहर दिखी जाती है। लेकिन गौहर के सिर मुसीबत तब आन पड़ी जब उन्होंने अपने एक फोटोशूट के दौरान दी गई एडवाइस को सीरियसली ले लिया। जी हाँ, गौहर को एक फोटोग्राफर ने अपने लिप्स की सर्जरी कराने की एडवाइस दी थी जिसे गौहर ने सीरियस लेते हुए अपने लिप्स की सर्जरी कराई। गौहर ने जैसा सोचा था वैसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि उनकी सर्जरी के कारण गौहर ने अपने कई शूट्स भी बस इसलिए पोस्टपोन कर दिए थे क्योंकि अपने नए लिप्स में वो काफी अजीब फील कर रही थी, जिसके बाद उन्हें अपने पुराने लिप्स ही ज्यादा बेटर लगने लगे। नंबर 1, कोयना मित्रा। सर्जरीज कितनी अच्छी हो सकती है ये तो हमने अपने बॉलीवुड में कई एक्ट्रेसेस के ट्रांसफॉर्मेशन से जान ही लिया है, पर अब हम जिस एक्ट्रेस की बात करेंगे, इनकी सर्जरी ने इतना भयानक रूप लिया कि ये आज तक अपनी प्लास्टिक सर्जरी के लिए रिग्रेट करती है। बॉलीवुड में अपने सेक्सी डांस मूव्स और हॉट लुक से सभी को लुभाने वाली कोयना मित्रा के साथ जो हुआ वो वाकई डेंजरस था। कोयना ने अपनी नोज को बेहतर बनाने के लिए एक सर्जरी करवाई थी, पर सर्जरी के कुछ समय बाद ही उनकी नेसल बोन्स में स्वेलिंग स्टार्ट हो गई, जिससे धीरे धीरे उनका फेस डिसफिगर्ड होने लगा, और एट लास्ट उन्हें इसे रोकने के लिए कई सर्जरीज का सहारा लेना पड़ा जिसके साइड इफेक्ट्स अब आप उनके फेस पर खुद देख सकते हैं। तो ये थी जानी मानी कुछ वो एक्ट्रेसेस जिन्होंने अपने फेस और बॉडी के साथ एक्सपेरिमेंट करना चाहा, जिसका कुछ को तो फायदा हुआ और कुछ को नुकसान। वैसे इनके अलावा भी बॉलीवुड की कई एक्ट्रेसेस पर भी प्लास्टिक सर्जरी के इल्जाम लगे हैं, जिसमें ऐश्वर्या राय बच्चन, प्रीति जिंटा, करिश्मा कपूर, जानवी कपूर और ना जाने कितनी एक्ट्रेसेस आती है। वैसे प्लास्टिक सर्जरी पर आपका क्या ख्याल है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम आशा करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे और वीडियो को लाइक कर दे। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि हमारी नोटिफिकेशंस आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए।